सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और गाइस 2 लाख होने वाली है, क्यू एन ए आएगा, कोलैबोरेशन आएगा, बहुत कुछ आएगा गाइस। बस कर दो यार 2 लाख अभी के अभी। जो नए आ रहे हो सब्सक्राइब कर दो, जो पुराने सब्सक्राइबर है वीडियो को लाइक कर दो ताकि वीडियो अच्छे से वायरल हो सके। यार लाइक करना जरूरी है तो लाइक करो। फाइनली हम लोगों ने 2 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए। मतलब ये बहुत बड़ा सपना था मेरा जो अभी पूरा हो चुका है। लेकिन ये कुछ ज्यादा स्लो नहीं हो गया? मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए हम लोगों ने 9 महीने में करी थी और यहाँ पे 2 लाख करने के लिए हमको 1.5 साल लग गया। अभी मैं फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ। 1.5 ईयर लग गया गाइस। ये सही नहीं है, ये चीटिंग हो रहा है हमारे साथ। हमें एकदम तूफान की रफ्तार में 3 लाख क्रॉस करना है। सो गाइस इसके लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो यार ताकि वीडियो वायरल हो सके, और सब्सक्राइब भी कर दो अगर नए हो तो। 3 लाख जो करनी है हमें, और 2 लाख स्पेशल का भी वीडियो आने वाला है, उसके लिए पार्टी तो बनती है। लेकिन गाइस पार्टी करने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं 2 लाख क्रॉस कर पाऊंगा। 1 लाख के बाद 2 लाख क्रॉस कर पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड था। सिर्फ आप लोगों के प्यार सपोर्ट के वजह से मैं जहाँ पे भी हूँ वहाँ पे हूँ। आज से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, बट हो गया। मेरे को पता नहीं। Yo, good morning, Clashers. सभी का स्वागत है Clash of Clans के एक और amazing episode में। So guys, यार finally हम लोगों ने cross कर लिए हैं 2 लाख subscriber। Well, ये बहुत बड़ा milestone था मेरे लिए, क्योंकि 2 लाख कर पाना इतनी आसान चीज नहीं होती guys। फटके 64 हो जाती है यार जब सपोर्ट नहीं मिलता तो। लेकिन हाल ही के महीनों में जो व्यूज, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, कमेंट्स मेरे को मिल रहे हैं, ओ माई गॉड, मेरे को जन्नत प्राप्त हो रही है। बस guys ऐसे सपोर्ट करते रहो यार अपने भाई को, और ये सबके लिए मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस बनाता रहूं यार। वैसे वीडियो से याद आया, कल मैंने देखा था बहुत सारे अपडेट्स के ऊपर वीडियोस आ रही है। सबसे अमेजिंग वाली बात गाइस, हमारी विलेजर मॉडल बनने जा रही है। जी हाँ गाइस, ये रहा हमारा विलेजर और ये रहा हमारा न्यू विलेजर। भाई साहब क्या ट्रांसफॉर्मेशन है यार, प्लास्टिक सर्जरी वर्जरी करवा लिया है क्या? बट फिर भी गाइज हमारे लिए हमारा क्वीन का महान है, और मैं अपने क्वीन को छोड़ नहीं सकता यार। आई लव माई क्वीन, और अगर मैं गलती से भी इस मॉडल का तारीफ कर दूं तो हो सकता है क्वीन मेरे पे गुस्सा हो जाए। और आपको मालूम है जब क्वीन गुस्सा हो जाती है तो हमारे अटैक का बैंड बढ़ जाता है। आई मीन यार क्वीन घूम जाती है, कहीं पे भी चली जाती है, कभी सीधा नहीं जाती, कभी अंदर नहीं घुसती, आई मीन बेस के अंदर नहीं घुसती। तो इस वजह से हमें क्वीन की तारीफ करती रहनी चाहिए। ये जो न्यू ट्रूप आ रही है, जो न्यू विलेजर आ रही है, उसको मोबाइल करते हैं। वैसे एक और न्यूज़ सुनने में आया है कि कोई न्यू इवेंट आया है क्लैश ऑफ क्लैन में। ओह यस 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 यस, ओह ये वॉल्करिन इवेंट है। वैसे देखा जाए तो मैं वॉल्करिन क्यों बोल रहा हूं मैं, वैसे देखा जाए तो मैं वॉक्स ज्यादा यूज नहीं करता। वॉक्स भाई मैं वॉल्करिन ही बोलूंगा, मेरे से नहीं होगा ये सब। वैसे देखा जाए तो वॉल्करिन में बहुत ज्यादा यूज तो नहीं करता, लेकिन जब भी मैं यूज करता हूँ मेरे अटैक का पोपट हो जाता है। जी हाँ गाइस, मेरे अटैक का पोपट हो जाता है। लेकिन फिर भी आज हम यूज करने वाले हैं हमारे वॉल्करिन को। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी को कि गाइस कोई भी कमेंट सेक्शन में मत लिखना कि वॉल्करिन नहीं होती है, वॉल्क होती है। भाई मैं समझता हूँ ये वॉल्क होती है, बट मेरे को वॉल्करिन कहने में अच्छा लगता है यार, और जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। वेल अटैक पे जाने से पहले मेरे पास लूट तो देखो। ओए होए, इतना ज्यादा लूट मैं छोड़ कैसे सकता हूँ? तो मैं क्या करूंगा, अरे मेरा लैबोरेटरी खाली पड़ा हुआ है क्या? ओके, मैं लैबोरेटरी में क्या डाल सकता हूँ? ओहो डार्क्स, ओके मैंने वॉल्करिन पे ध्यान ही नहीं दिया, मेरे पास मैक्स लेवल के वॉल्क नहीं है। वेल इसका भी इलाज है मेरे पास। यहाँ पे मैं गया शॉप पे, और यहाँ पे गया मैं मिडिल पे। सो गाइस मेरे पास है 306 डार्क नहीं, मेरे पास है 306 मेडल, और इस मेडल से मैं ले सकता हूँ हैमर्स ऑफ बिल्डिंग से होता नहीं, हैमर्स ऑफ बिल्डिंग से नहीं होता, हैमर्स ऑफ नहीं इससे भी नहीं होता, हैमर्स ऑफ हीरो नहीं इससे भी नहीं होता। यस हमारे पास है हैमर्स ऑफ फाइटनिंग, जिससे हम अपने वॉल्करिन को करने वाले हैं मैक्स। सो यस हमारे पास फाइनली आ चुका है हैमर ऑफ फाइटनिंग, तो चलो इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने वॉल्करिन को मैक्स करने के लिए। तो ये रहा मेरा लेबोरेटरी, वॉल्करिन किधर है, ओ मेरी जान कहां जा रही हो? तो इस पे हम यूज करने वाले, और सबसे अमेजिंग वाली बात गाइस 14 दिन का खर्चा बच गया हमारा, मतलब 14 दिन का राशन हम ये हैमर दिलाएगा। चलो इसको यूज करने वाले हम लोग, 1 2 3। ओके अभी फाइनली बचा मेरे कुछ एलिक्सर और गोल्ड, अब इसको हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। 4 बिल्डर खाली पड़ी है, मेरे को पता भी नहीं। ओके हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा आर्चर टावर 1 2 3 4 हो गया, ये 5th वाला भी जा चुका है, अब हमारा 6th आर्चर टावर यहाँ पे है। देखो ये अबे इतना कम,
ओके, मेरे पास मेरे ख्याल से ट्रेजरी में कुछ होगा। ओहो क्या बात है, ट्रेजरी में बहुत ज्यादा लूट है। मैं इसको कर लेता हूँ कलेक्ट। अब हम इसको डाल सकते हैं, ये जाएगा 10 दिन के लिए। 1 2 3 बूम, ये जा चुका है। और बचा एलिक्सर। एलिक्सर हम यूज करने वाले हैं लेबोरेटरी में यार। तो एलिक्सर से कौन से ट्रूप में डालने की सोच रहा था, माइनर या फिर यहाँ पे ड्रैग भी डाल सकता हूँ ना मैं, क्योंकि ड्रैग मैं बहुत कम यूज करता हूँ, बट माइनर आजकल बहुत ज्यादा यूज करने लगा हूँ। क्या करूँ मैं, विजार्ड तो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, गाइस क्या डालनी चाहिए। भाई मैं माइनर ही डालता हूँ, क्योंकि आजकल मैं हाइब्रिड पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ यार। तो चलो इसको डाल देते हैं। 1 2 3 ये गया, बूम। और हमारा ट्रूप भी कुक्ड है, रेडी है। और ये अटैक स्ट्रेटजी मैं कभी यूज नहीं किया आज से पहले, तो चलो देखते हैं कैसा जाता है हमारा पहला अटैक। ओए होए, बेस मिल गया रे। लूट तो देखो गाइस, गजब का बेस है। और टोटल 11। अरे नहीं यार, मैं 12 हूँ, अगर मैं इस पे अटैक करूंगा तो इसका दिल टूट जाएगा यार, इतना लूट है। मन नहीं कर रहा यार, बट नहीं, मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकता। नेक्स्ट। ओके, हमें जो बेस मिला है जिसमें एकदम सुहाना सा लूट, 12.5 का आईडी है। चलो देखते हैं क्या हो पता है। सही बताऊं तो इस बेस पे कहां से अटैक किया जाए, इधर से हीरोज है, इधर से कुछ भी नहीं है, इधर से भाई साहब ईगल आर्टिलरी है। तो चलो ठीक है, हम करेंगे अटैक ईगल आर्टिलरी की तरफ से। चलो देखते क्या होता है। क्वीन को हम यहाँ पे छोड़ेंगे, क्वीन के पीछे जाएगा 4 हिलर। यहाँ पे छोड़ूंगा एक बेबी ड्रैग को, एक छोड़ूंगा बेबी ड्रैग यहाँ पे, एक वॉल्कर राइन को, फिर छोड़ूंगा एक वॉल्करिन को, आई मीन वॉल्विकर को। बस इसमें छेद करना है अच्छे से। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो पिछले वाली अटैक में हमारा बैंड बच चुका था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो इस बार हमें अच्छा सा लूट मिला है, टाउन हॉल 12.5। और इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा, पिछली बार करंट कट गया, आई मीन पावर कट हो गया था। चलो इस बार देखते क्या होता है। कहां से अटैक करें, क्वीन इधर है इसका, सो मैं क्वीन की तरफ से अटैक करने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अपने क्वीन को यहां पे छोड़ूंगा, क्वीन के पीछे छोड़ूंगा 5 हीलर, फिर छोड़ूंगा किंग को, एक बेबी ड्रैग को यहां पे, एक बेबी ड्रैग को यहां पे, वॉल ब्रेकर को छोड़ूंगा बीच में। क्वीन के पीछे कुछ डाल नहीं सकता मैं, बट वेट करते हैं। विजार्ड में पूरा छोड़ दिया पता नहीं क्यों। और अब छोड़ूंगा सारे के सारे वॉल्करन अंदर जाएगा, छोड़ूंगा वार्डन और छोड़ूंगा अपने पहले रेड स्पेल को। और यार लून, ओह माय गॉड, दिस इज सीरियस मोमेंट गाइस, वी नीड टू फ्रीज द लून। लून फ्रीज हो चुका है, लून फ्रीज हो चुका है। कम ऑन, लून को डाउन कर क्वीन, लून को डाउन कर। कम ऑन, क्या कर रही है क्वीन, लून को डाउन कर। कुछ नहीं कर रही है क्वीन, कम ऑन यार, मेरा बैंड बज रहा है, मेरा बैंड बज रहा है। और मैं यहां पे फ्रीज। ओके चलो, आइस गोलम ने कुछ तो काम किया, अभी भी ईगल आर्टिलरी जिंदा है भाई, कोई ईगल आर्टिलरी को ले लो यार। अरे मेरा 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 मर गया सारा वॉल्क भाई, दो जायंट बॉम्ब। यही होता है मेरे साथ हमेशा। नहीं हो पाएगा, 2 स्टार भी नहीं हो पाएगा। ओ टाउन हॉल अभी एक्टिवेट होगा, हो गया एक्टिवेट, देख रहे हो। टाउन हॉल पे फ्री स्पेल डालो यार, क्या कर रहा हूँ मैं। टाउन हॉल फ्रीज हो गया, 2 स्टार तो निकाल ले। अब क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, यही उम्मीद नहीं था। फिर से फ्री स्पेल डालना पड़ेगा। अबे ये क्या हो गया मेरे साथ, नहीं। So yeah guys, that's it for today's video. और आज का वीडियो खत्म करने से पहले बढ़ते हमारे लास्ट वीडियो के टॉप 5 कमेंटर्स की ओर। गाइस सबसे पहला कमेंट आता है, आई कैन किक इंग्लिश। बहुत अच्छी बात है ब्रो, बहुत अच्छी बात है, उड़ा लो मजाक उड़ा लो आप। नेक्स्ट कमेंट आता है, nowadays Indians are rocking everywhere, either in COC not only in whole world। बिल्कुल यार, ये आज वाली बात नहीं है, हमेशा वाली बात है, नव की बात नहीं है, मतलब जब से इंडियन शुरू हुआ है समझ लो हर जगह पे। नेक्स्ट कमेंट आता है, इंग्लिश का स्पेलिंग ENGLISH रॉन्ग। इंग्लिश का स्पेलिंग है ENGLISH, ये सही बोल रहे हो ब्रो, मैं यही लैंग्वेज यूज करता हूँ, यही वर्ड सही है मेरे लिए भी। नेक्स्ट कमेंट आता है, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट है, ओनली फॉर कॉट व्यूअर्स, व्हेन यू कम अर्ली एंड आई वांट टू कमेंट बट डोंट नो व्हाट टू कमेंट एंड देन यू गेट नो हाउ विल आई गेट। भाई हार्ट मिल चुका है यार, आपने कमेंट किया नहीं किया फिर भी देखो, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है छोटा सा, वो हार्ट मैंने खुद आपको दिया है। नेक्स्ट कमेंट आता है कॉट, अच्छा ये बंदे ने मेरा फुल फॉर्म निकाला है, COT का नाम मतलब क्लैशर ओरिजिनल टैलेंटेड। भाई पहली बात, मैं क्लैशर हूँ ठीक है, ओरिजिनल हूँ ठीक है, वो टैलेंटेड नहीं हूँ यार इतना भी। शेप गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो देख के अपने जीवन का आनंद मिला है तो लाइक दब जानी चाहिए गाइस। लाइक एम नहीं रखता मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप कंप्लीट कर देते हो, इसलिए मैं लाइक एम रखता नहीं हूँ यार। शेप गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर 2 लाख सब्सक्राइबर, इट वॉज अ रियली बिग सरप्राइज फॉर मी। मैंने सोचा था 2-3 दिन और लग जाएंगे, मगर कल ही कंप्लीट हो गया, विच वॉज रियली बिग सरप्राइज। थैंक यू सो मच, बस ऐसे सपोर्ट करते रहो गाइज, और बहुत कुछ स्पेशल आने वाली है क्यू एंड ए वीडियो।
वीडियो भी आएगा, उसके लिए मैं अनाउंसमेंट आपको जल्द बताऊंगा, बट अभी नहीं बट जल्द बताऊंगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में ऐसे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो क्लैश ऑन टाइटल।